संघ प्रमुख का सर कह रहा है कि धर्म शास्त्रों में कोई जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये तो पंडितों यानी कि देखिए मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक हूँ और परम पूज्य सरसंघ चालक जी जब कोई चीज कहते हैं तो एक स्वयं सेवक के नाते हम लोग मार्गदर्शन मानते हैं और जहाँ तक उस पर टिप्पणी की बात है तो मैं पूज्य सरसंघ चालक जी के किसी बयान पर टिप्पणी करूँ, ऐसा रहता है कहे अपने अपने हिसाब से, लेकिन इस देश में जो होना आवश्यक होगा वो हो रहा है और आगे भी होगा। आपको लगता है कि देश की जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आपको नहीं लगता है? तो वैसे ही ने कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा, वो तो लगातार यही बात कहते हैं। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर का भी विरोध करते हैं, वह तो धारा 370 हटाए जाने का भी विरोध करते हैं, लेकिन जो अच्छा है देश के हित में है, सबका साथ सबका विकास सबको सम्मान सबको स्थान देने की दृष्टि से उपयुक्त है, वही रास्ता सबसे उचित है और उसको देश स्वीकार कर रहा है। केशव जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने भी इसका विरोध किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ने मंजूर नहीं। उसी के बारे में मैंने कहा ना, उनके मंजूरी लेने की कहां जरूरत है संसद को, जो देश की जनता ने जो अपना जनादेश दिया है उस जनादेश के क्रम में, और अगर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हम कहें तो यह तो हमारे प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा रहा है कि हम लोगों ने कहा था अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने की दिशा में जो भी होगा करेंगे, वह हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, धारा 370 हटाएंगे हट गई है, बाकी जो काम बचा है वो भी मुझे पूरा विश्वास है उचित समय पर वह भी होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।